माधुरी के दुख में शामिल हुआ बॉलीवुड। दिवंगत मां की आत्मा की शांति के लिए माधुरी ने रखी प्रार्थना सभा, तो स्नेहलता दीक्षित को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे करीबी जन और कई बॉलीवुड सितारे। बॉलीवुड की धक धक गर्ल इन दिनों गहरे दुख के दौर से गुजर रही है। बीते हफ्ते ही माधुरी और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था। रविवार 12 मार्च की सुबह 91 साल की उम्र में माधुरी की मां स्नेहलता दीक्षित का निधन हो गया था। माधुरी अपनी मां को आई कहकर बुलाती थी और आई के चले जाने से वो बुरी तरह से टूट गई हैं। मां के अंतिम संस्कार के मौके पर तो माधुरी कैमरों के सामने आने से भी बचती दिखी थी। तो वहीं बीते दिन वर्ली के नेहरू सेंटर में माधुरी ने अपनी मां के लिए एक प्रार्थना सभा रखी, जिसमें परिवार और करीबी रिश्तेदारों के अलावा कई बॉलीवुड सितारों ने भी शिरकत की। माधुरी अपने पति श्रीराम नेने और दोनों बेटों अरुण और रयान के साथ प्रेयर मीट में पहुंची। माधुरी और श्रीराम दोनों हाथ जोड़े दिखे। सफेद सूट पहने माधुरी के चेहरे पर मां को खो देने का गम भी साफ नजर आया। दोनों ने हाथ जोड़ मीडिया का अभिवादन किया और अपने बेटों के साथ सीधा हॉल में दाखिल हो गए। माधुरी के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके और उनके साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करने वाले एक्टर जैकी श्रॉफ दुख की इस घड़ी में अपनी दोस्त को ढांढस बंधाने पहुंचे। जैकी अपने साथ एक गमले में लगा एक छोटा सा पौधा भी लेकर आए थे। एक्टर और शो होस्ट मनीष पॉल भी माधुरी के इस दुख में शामिल होने पहुंचे। माधुरी के साथ मनीष पॉल ने डांस रियलिटी शोज में काम किया है, दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसे में जब माधुरी दुख के दौर से गुजर रही हैं, तो मनीष भी स्नेहलता दीक्षित की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर मीट में आए। फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी की बड़ी बहन का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस रेणुका शाहने भी प्रार्थना सभा में आई। माधुरी की इस दुख की घड़ी में विद्या बालन भी शामिल हुई। स्नेहलता दीक्षित की आत्मा की शांति के लिए रखी गई इस प्रार्थना सभा में विद्या अपने पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ आईं। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर सफेद कुर्ता पजामा पहने प्रेयर मीट में शामिल हुए। एक्टर रितेश देशमुख और जावेद जाफरी भी माधुरी दीक्षित के गम में शरीक हुए। ये दोनों ही इस प्रेयर मीट में पहुंचे। डायरेक्टर सुभाष गई और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भी दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के लिए इस प्रेयर मीट का हिस्सा बने। राजश्री प्रोडक्शन के डायरेक्टर सूरज बड़जातिया भी प्रेयर मीट में आए। सभी ने मिलकर माधुरी दीक्षित की मां की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित की मां स्नेहलता दीक्षित का निधन 12 मार्च को हो गया था। उन्होंने अपने घर पर ही अंतिम सांस ली। स्नेहलता दीक्षित कई बरसों से अपनी बेटी माधुरी और दामाद श्रीराम नेने के साथ ही रह रही थी। पूरा परिवार उनके बेहद करीब था। खास तौर से माधुरी के लिए मां उनकी पूरी दुनिया थी। मां को खोने के बाद माधुरी ने अपना गम एक पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।